न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। भदोही में ढाबा संचालक से अवैध धन उगाही, ब्लैकमेलिंग और मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 आरोपी पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर बताए जा रहे हैं। ढाबे पर जांच के नाम पर संचालक से 50,000 रुपए और सोमवार को और 50,000 रुपए लेने आए थे। इस दौरान ढाबा संचालक और वहाँ के कर्मचारियों ने आरोपियों को जमकर पीट दिया। पिटाई से जुड़ा वीडियो भी वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 पुलिसकर्मी और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के छतमी गांव में हाईवे के किनारे स्थित ढाबा संचालक राकेश वाजपेयी का आरोप है कि कुछ दिन पूर्व एक 4-पहिया गाड़ी से 4 लोग उनके ढाबा पे आए और वीडियो बनाने लगे। उन्होंने खुद को लखनऊ की एक प्रशासनिक टीम का हिस्सा बताया और कहा कि उनको हाईवे के किनारे स्थित ढाबा और होटलों की जाँच के निर्देश मिले हैं। कुछ दिनों पूर्व डरा धमका कर ढाबा संचालक से 50,000 रुपए आरोपी ने ले लिए और 50,000 रुपए लेने के लिए सोमवार को पहुंचे थे। ढाबा संचालक ने पुलिस को सूचना देते हुए आरोपियों की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ढाबा संचालक और कर्मचारी आरोपियों को पीटते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मौके से प्रयागराज जनपद के हंडिया में तैनात 2 पुलिसकर्मी, जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं आलोक सिंह और राम प्रवेश और उनके एक साथी राहुल श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मौके से 4-पहिया वाहन लेकर गौरव श्रीवास्तव नाम का एक आरोपी फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि 4 आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मामले की जाँच पड़ताल जारी है। थाना गोपीगंज पर कल एक ढाबा के मालिक ने उपस्थित होकर तहरीर दिया कि 4 लोग एक प्राइवेट वाहन से उसको ब्लैकमेल करने और वसूली का प्रयास कर रहे थे। जानकारी के अनुसार ये 4 लोग अपने आप को लखनऊ की एक टीम का हिस्सा बताकर होटल की जांच के नाम पर अवैध धन उगाही का प्रयास कर रहे थे। जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी तहरीर के आधार पर मारपीट, फोर्जरी और एक्सटोर्शन जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 4 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 4थे आरोपी और जो प्राइवेट वाहन जिससे ये आए थे उसको बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। इन आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।